हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम एडिशन ऑफ टू नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का ड्राई रन करके देखेंगे कोड को, और साथ में अपने लैपटॉप पर भी जाकर देखेंगे कैसे यह काम करता है। तो पहले हम ड्राई रन करते हैं अपने कॉपी पे, ठीक है। तो यह है एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड किए हैं, उसके बाद मेन फंक्शन यहाँ पर इंटीजर ए लिए हैं, बी लिए हैं और सी लिए हैं। गाइस पेन नहीं चल रहा है, वन मिनट चलने लगा गाइस। ए बी और सी हम इंटीजर वेरिएबल लिए हैं क्योंकि हम इंटीजर पर ही अप्लाई करेंगे, प्लॉट पे नहीं करेंगे, अभी इंटीजर पर अप्लाई करेंगे। इसलिए इंटर फर्स्ट नंबर मैसेज प्रिंट किए और उसी के अनुसार हम ए में स्कैन करवा लिए वैल्यू को, ठीक है। उसी के लिए उसी प्रकार से दूसरे नंबर के लिए भी हम मैसेज प्रिंट किए और दूसरे को भी बी में स्टोर कर लिए। और सी क्यों लिए थे, थर्ड वेरिएबल इसलिए लिए थे क्योंकि हमारा जो सम करके जो वैल्यू आएगा वो हम इसमें स्टोर करेंगे। मान लेते हैं हम ए बराबर 22 पे, जैसे हमको स्क्रीन पे ये आएगा, ठीक है, आउटपुट पहले आएगा इंटर फर्स्ट नंबर तो हम 22 पे, ठीक है। उसके बाद आएगा इंटर सेकेंड नंबर, ये लाइन से फर्स्ट लाइन से ये आएगा, सेकेंड लाइन से ये, तो हम 50 पेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूट होगा ए और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी, 20 + 50 इक्वल टू 70 हो जाएगा और ये सी में असाइन हो जाएगा, ठीक है, सी में असाइन हो जाएगा। उसके बाद एड इक्वल टू परसेंट डी के जगह पर सी का वैल्यू जो हमारा है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम था। अब चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन की ओर। तो इसी के नीचे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम है गाइस। सब कुछ सेम है, मैसेज भी सेम है, सिर्फ हमारा चेंज कहाँ आएगा, चेंज आएगा यहाँ पे। पीछे के हम क्या कर रहे थे, ए प्लस बी कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, ठीक है। ए माइनस बी करेंगे, सी में स्टोर रहेगा, यहाँ पे हम सी का वैल्यू प्रिंट कर देंगे, पिछले जैसे ही सेम है, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम पे। हाँ जी गाइज, मल्टीप्लिकेशन का भी प्रोग्राम सेम है गाइज। वहाँ पे क्या कर रहे थे, एडिशन में हम क्या किए थे, थर्ड वेरिएबल के जगह पे प्लस किए थे, सब्ट्रैक्शन के जगह पर क्या किए, माइनस किए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रूल हमारा कहता है मल्टीप्लिकेशन के जगह पर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कीबोर्ड पे हमारा ऐसा चिन्ह कहीं नहीं मिलेगा गाइज। मल्टीप्लाई करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे, स्टार जो 8 के ऊपर होता है, शिफ्ट प्लस 8 टिपिएगा तो आता है स्टार, वो वाला करेंगे। और यहाँ पे सी का जो वैल्यू है मल्टीप्लाई परसेंट की जगह प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही आप डिवीज़न में भी कुछ नहीं है गाइज, जैसे मल्टीप्लाई में डिवीजन वाला किए तो हम मल्टीप्लाई में स्टेरिक टिपिए, तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे। फॉरवर्ड स्लैश में जो हमारा कंप्यूट हो गए, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली गाइज है गाइज, यहाँ पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। पॉइंट में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम पॉइंट में आ जाएगा गाइज, आ जाएगा। यहाँ पर फ्लोट वेरिएबल ही है, हमको लगा इंटीजर वेरिएबल लेते तो हमारा इंटीजर बाई इंटीजर हमारा इंटीजर रिटर्न करता है, लेकिन यहाँ पर फ्लोट लिया गया है जो कि पॉइंट में हमारा आंसर दे देगा गाइज, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे फिर से वहीं पे सी का वैल्यू हमारा परसेंट की जगह डिवीजन होकर प्रिंट कर देगा। तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं ये सबको मिनी कैलकुलेटर को यूज करके कैसे होता है। हाँ जी गाइस, तो हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, कोड ब्लॉक ओपन कर लिए हैं और प्रोग्राम भी लिख लिए हैं, जो कॉपी में लिखा हुआ था वही प्रोग्राम है। यहाँ पे हेडर फाइल है, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए, सो मैसेज प्रिंट किए, स्कैन करवाए, फिर से दूसरा में नंबर के लिए मैसेज प्रिंट किए, नंबर स्टोर किए। उसके बाद यहाँ पे कोई मैसेज आ गया गाइस, बता देते हैं गाइस। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूट कर दिए हैं कैलकुलेशन जो किए हैं ए प्लस बी, क्योंकि हमको एडिशन का प्रोग्राम बनाना है इसलिए एडिशन कर दिए हैं, और यहाँ सी को आउटपुट कर दिए हैं। इसको रन करते हैं गाइस, देखते हैं क्या होता है, रन होता है या नहीं, हमारा आउटपुट देता है या नहीं। रन हो रहा है गाइस, लेट हो रहा है। हाँ जी गाइस, रन हो गया है हमारा प्रोग्राम, डबल करते हैं हल्का, देखिएगा, देखिए गाइस इंटर फर्स्ट नंबर करके आया, तो हम इंटर नंबर कुछ दे देते हैं, मान लेते हैं 80 दे देते हैं नंबर, ठीक है। इंटर करते हैं, सेकंड नंबर मांगा, फिर से हम 80 दे देते हैं गाइस, ठीक है। तो ये देखिए हमारा एडिशन आ गया है 160, जो कि एक सही आंसर है। अब चलते हैं कुछ और करके देखते हैं, बड़ा नंबर करके देखते हैं गाइस, फिर से रन करें, फिर से हमारा और हो गया है रन, फिर से इसको डबल कर लेते हैं गाइस, इस बार बड़ा नंबर देते हैं, कुछ बड़ा नंबर देते हैं गाइस,
गाइस मैसेज पे मैसेज आ रहा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैसेज दे मत देखिए। कुछ और नंबर देते हैं गाइस, रैंडमली कुछ धीरे धीरे दिए हैं, ये इतना आया है आंसर आपको, आपको अगर डाउट है तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमको डाउट नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम पे, सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम में कुछ नहीं करना, यहाँ पे चेंज था गाइस, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, माइनस की जगह पर प्लस कर देते हैं, नहीं प्लस की जगह पर माइनस कर देते हैं, एडिशन की जगह पर हम एस यू बी लिख देते हैं गाइस, एस यू बी सब्ट्रैक्ट। ओके गाइस, इसको भी रन करते हैं गाइस, रन कर लिए गाइस, रन हो रहा है गाइस, देखिए इंटर फर्स्ट नंबर सेम वैसे ही मैसेज प्रिंट होगा, क्योंकि कुछ हम छेड़खानी किए नहीं उसमें, सिर्फ हम अपने जहाँ पे कैलकुलेशन पर था वहाँ पे किए हैं। यहाँ पे हम पहले सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे 80 देते हैं, यहाँ पे 80 नहीं देंगे क्योंकि जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 40 देंगे, 40 दिए, देखिए हमारा सब्ट्रैक्शन आ गया है 40। बधाई हो गाइस, आप मिनी कैलकुलेटर बनाना सीख गए हैं। आप बड़ा नंबर देते हैं, पहले छोटा नंबर से क्रॉस वेरीफाई करते हैं, उसके बाद बड़ा नंबर देकर चेक करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हाँ फिर से आ गया है, इस बार रेंडमली कुछ कुछ टिप देते हैं गाइस, देखिए गाइस ये आ गया सब्ट्रैक्शन, एक बार कोडिंग करना है, बाद बाकी सब ये कल कंप्यूटर करेगा काम, सेकेंड भी नहीं लग रहा है हमारा आंसर आ जा रहा है गाइस, ठीक है गाइस। अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन पे गाइस, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम बताए थे मल्टीप्लाई का चिन्ह होता नहीं है, इसलिए हम स्टेरिक का यूज करते हैं, ये स्टार 8 के ऊपर जो होता है वो वाला, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की जगह पर हम मल्टीप्लाई लिख देते हैं गाइस, MULTPLAY, स्पेलिंग मत देखिएगा गाइस, मेरा स्पेलिंग बहुत वीक रहता है। हाँ जी गाइस, ये सब फिर से रन कर दिए हैं, फिर से सेम मैसेज गाइस, इस बार छोटा नंबर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है तो क्रॉस वेरीफाई करने में भी दिक्कत होगा। 5 और 6 दिए हैं, देखिए हमारा 30 आ गया है मल्टीप्लाई, कोई और नंबर देते हैं गाइस, कोई और नंबर देते हैं, उसके लिए पहले रन कर लेते हैं, कोई और नंबर देते हैं गाइस, पहले छोटा नंबर उसके बाद बड़ा नंबर, ठीक है गाइस। 10 से गुना करते हैं क्योंकि 10 से गुना करने में क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा आसानी से, देखिए गाइस 10 से गुना किए 0 वगैरह लगा देंगे बात खत्म है, ठीक है गाइस। हम मल्टीप्लाई पे हो गया, आप डिवीजन पे चलते हैं गाइस, डिवीजन में क्या किया जाते हैं, यहाँ पे फ्लोट लेंगे गाइस, पहले इंटीजर के करके लिखा दिखाते हैं, जैसे हम कॉपी में बोले थे इंटीजर लेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है गाइस। यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे हम डिवाइड लिख देंगे DIV, ठीक है गाइस। इसको रन करते हैं, इसका एक और तरीका बताएंगे फ्लोट लेके, जिससे हमारा इंटीजर में कैसे आंसर आएगा, इंटीजर है फ्लोट में डेसिमल में जो नंबर होता है, यहाँ पे देखते हैं पहले 8 देते हैं, उसके बाद पहले हल्का डबल कर लेते हैं गाइस, शायद दिख नहीं रहा होगा, उसके बाद 4 देते हैं गाइस, देखिए डिवीजन हमारा 2 आ गया है गाइस। इसमें इसका लिमिटेशन क्या है वो भी हम पहले टाइप करके दिखा देते हैं गाइस, अब इस बार ऐसा इनपुट लेंगे जो ये प्रोग्राम अच्छे से रन नहीं हो पाएगा, रन होगा पर रिजल्ट हमारा उतना एक्यूरेट नहीं देगा, जैसे मान लेते हैं हम 9 दिए गाइस, ठीक है, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं गाइस, तो हमारा आना क्या चाहिए था 4.5 आना चाहिए था, ये 4 आया है, सिर्फ इंटीजर लिए क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या था, इंटीजर डिक्लेयर किए हैं, अभी वेरिएबल इंटीजर था, इसको हम फ्लोट करके देखते हैं हमारा आंसर सही आता है या नहीं गाइस, यहाँ पे FLOAT फ्लोट, ठीक है गाइस, ये हो गया फ्लोट, यहाँ पे फ्लोट इंटर करवाएंगे तो यहाँ पर फ्लोट F, ठीक है गाइस। यहाँ पर भी जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है फ्लोट के लिए वो हो गया, यहाँ पर भी हमारा आंसर भी फ्लोट में आ गया इसलिए F। ओके गाइस, इसको अब रन करके देखते हैं गाइस, और ये रन हो गया है गाइस, अब देखते हैं इसको पहले डबल कर लेते हैं, हमारा क्या था 9 और 2, देखिए गाइस 4.55 अब फ्लोट में होता है, अप टू 6 डिजिट 0 लिया जाता है, वही से इतना 0 आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर आ गया है गाइस 4.5, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारा प्रोग्राम हो गया है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, कोडिंग पढ़ते रहिए, ठीक है गाइस, बाय बाय गाइस।